नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स तंदूर में रोटियां सेक रहा है और रोटियां सेकने से पहले वो उन रोटियों पर थूक रहा है। ये वीडियो मेरठ के गढ़रोड स्थित एक फंक्शन का बताया जा रहा था। दरअसल 16 फरवरी का ये वीडियो है जो शुरुआती जांच में सामने आया है, और ये वीडियो एक शादी के दौरान का है। यहां पर ये शख्स तंदूर में रोटियां सेकने से पहले उन पर थूक लगा रहा था और उसके बाद उनको सेक रहा था। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा देख लीजिए अपराध तो है ही कि आप एक तरीके से ये दूसरों को बीमारी आप फैला रहे हैं। अपराध हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब जानते हैं देश और दुनिया भर में इस वक्त कोरोना फैला हुआ है, और ऐसे में जगह जगह थूकना या फिर कहीं पर भी गंदे हाथों का छुआना एक दूसरे को, ये सारी चीजें इनकी मनाही है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार कर रही है, और इन सब के बीच में अगर इस तरह का वीडियो सामने आता है तो ये कोरोना के नियमों का उल्लंघन है, और साथ ही साथ इसे अपराध की श्रेणी में भी रखा जाना चाहिए कि आखिर किस मकसद से ये शख्स इस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा था। बताया जा रहा है कि जिस शादी के फंक्शन का ये पूरा वीडियो सामने आया है, वहां पर कई लोगों ने इस शख्स के हाथ की रोटियों को खाया भी था। अब जाहिर तौर पर जब ये वीडियो सामने आया तो इसको लेकर बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर इसकी गिरफ्तारी की मांग होने लगी, और इतना ही नहीं, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सचिन सिरोही ने पुलिस स्टेशन में पूरा मामला दर्ज करवाया और इसको पकड़ने की मांग की। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, और इस शख्स का नाम नौशाद उर्फ सुहेल बताया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें ये जो नौशाद दिख रहा है, इसने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। इसने इस पूरे घटनाक्रम को कबूला है कि हाँ, ये सब चीजें मैंने की हैं, रोटी सेकने से पहले मैंने ही इसमें थूका था। फिर इससे पूछा गया कि तुमने ये किस इंटेंशन से किया, इस सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आप खुद भी समझ सकते हैं कि किस इंटेंशन से किया होगा। रोटी तरीके से बना रहा ना सर, तो टेबल पर कांच रखना पड़ता है सर, तो छुप के रोटी डालनी पड़ती नहीं सर, अब ऊपर से तो कांच। किसकी शादी थी, कब की शादी थी वो? ये 16 तारीख की थी, ये जो गई अब। किसकी शादी थी ये मुझे नहीं पता सर। आप शादी में गए थे? जी सर। रोटी बनाई थी? जी। रोटी पे थूक क्यों रहे थे? नहीं सर, थूका नहीं है बिल्कुल भी। वीडियो में तो दिखाई दे रहा है? नहीं सर, वो सोच गलत आदमी की। वो वीडियो बनाई किसने? सुनो तो, वो वीडियो बनाई किसने? पार्टी में आए हुए थे। कौन आया हुआ था ये मुझे नहीं पता सर, बता रहे थे पार्टी में, नहीं तो जानता नहीं सर। तो आपको नहीं पता वीडियो किसने वायरल करी है वो आपकी? नहीं सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नौशाद को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन जिस तरीके से इसने किया है, उन गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के तहत जो मुकदमा बनता है उसके तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, पुलिस ने आईपीसी की धारा 269, 270, 118 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत नौशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और कुछ लोग हालांकि इस वीडियो पर मजे ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि बहुत सीरियस इशू है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अगर आप भी अपने घर में शादी ब्याह का फंक्शन कर रहे हैं या फिर किसी शादी ब्याह के फंक्शन में जा रहे हैं तो देखभाल कर जाएं, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। और अगर इस तरह से कुछ मानसिक रूप से बीमार लोग अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे तो फिर सबकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।